बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, इश्क रब दा सोहना मंदिर, कोई विरला अंदर जावे, जो जाए लंग दरवाजा, मुड़ फिर कदे ना आवे। सास संगत जी, अभी हाल ही की ये घटना है। एक कारोबारी बंदा जो कि गुरसिख था, पर कुछ टाइम से उसका कारोबार चलना बंद हो गया था। सास संगत जी, इंसान को कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, बस हमेशा बाबा जी की मेहर मांगनी चाहिए। तो घटना के अनुसार जब उस गुरसिख का काम नहीं चल रहा था तो वो इतना परेशान हो गया कि सब दोस्त यारों से नई नई युक्तियां पूछता जिससे उसका कारोबार चल पड़े। तो उसके एक दोस्त ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे फला फला मौलवी हैं जो पुड़िया में कुछ बांध कर देते हैं, तो वो जिसको भी देते हैं उनके घर की जो जो परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। चाहे घर का कलेश हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे गरीबी हो या बीमारी हो, तो उनकी पुड़िया से सब ठीक हो जाता है। अब ये सुनकर वो गुरसिख इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और चल पड़ा मौलवी के पास। सास संगत जी, हमें भी पूरा सतगुरु मिला हुआ है, पर फिर भी आज हमारे पास कोई भी आकर ये कह दे कि फला फला बंदा सारी परेशानियां दूर कर देता है, तो हमारा भरोसा भी ऐसे डोल जाता है जैसे कोई दीन ईमान ही ना हो। जिस तरह दुनिया में गर्जों के रिश्ते हैं, हम भी उसी तरह अपने सतगुरु पर से भरोसा छोड़कर कहीं और भागने लगते हैं। दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे दुनिया काम आएगी बुरे वक्त में। आजमा कर देख लेना, जिस पर ज्यादा भरोसा करोगे वही भरोसा तोड़ेगा। और मालिक पर सच्चा भरोसा करने वाले ना तो किसी से झगड़ते हैं, ना किसी से उम्मीद करते हैं, और ना ही किसी को सुनाते हैं कि तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से वो हो गया। अरे सब अपने पिछले कर्मों का हिसाब देने ही तो आए हुए हैं। अगर शांति से हिसाब नहीं दोगे तो कर्मों का बोझ और बढ़ता चला जाएगा। अब घटना के अनुसार अब वो गुरसिख सोचता है कि सेवा भी करता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, फिर भी काम नहीं बन पा रहा है, तो मौलवी के पास ही चलता हूँ, वहाँ ही शायद काम बन जाए। अब ये गुरसिख पहुँच गया मौलवी के पास। वहाँ क्या देखता है, वो मौलवी सबको पुड़िया देकर कह रहा था तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुम्हारा वो काम बन जाएगा। काफी लोग आए हुए थे। अब जब ये गुरसिख पहुँचा और उसने मौलवी से कहा कि पैसा न होने की वजह से घर में बहुत कलेश भी है और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो उस मौलवी ने उस गुरसिख की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और दूसरे लोगों को पुड़िया देने लगा। अब जब गुरसिख ने दोबारा पुड़िया मांगी तो मौलवी ने उसको पुड़िया देने से साफ मना कर दिया। तो उस गुरसिख को लगा कि शायद आज इनके पास पुड़िया खत्म हो गई है, कल फिर आ जाऊंगा। अब जब वो गुरसिख अगले दिन फिर मौलवी के पास पहुंचा तो मौलवी ने गुरसिख को पुड़िया देने से फिर मना कर दिया। गुरसिख वहां से चला गया। अब वो गुरसिख इतना परेशान था अपने काम को लेकर कि तीसरे दिन फिर मौलवी के पास पहुंच गया, ये सोचकर कि शायद आज मौलवी को तरस आ जाए और वो पुड़िया दे दे। जब गुरसिख मौलवी के सामने पहुंचा तो मौलवी ने फिर मना कर दिया। अब उस गुरसिख से रहा न गया और उसने मौलवी से पूछ ही लिया कि तुम सबको पुड़िया देते हो पर मुझे ही क्यों मना करते हो, कारण तो बताओ। तो वो मौलवी कहता है, मैं रोज सुबह 2:30 बजे उठकर नहा धोकर गुरुद्वारे जाता हूँ और अपना झाड़ू भी घर से ले जाता हूँ, और जहाँ संगत रोज चप्पल उतारती है वहाँ जोड़े घर में मैं संगत की चरणों की धूड़ी अपने घर ले आता हूँ और सबको पुड़िया में बांध कर देता हूँ। और मौलवी की ये बात सुनकर उस गुरसिख की आंखों से आंसू झरझर बह गए, क्योंकि वो मौलवी बोला कि मैं तुझे क्या वो पुड़िया दूं, मैं तो खुद तेरे पिता के घर से चरण धूड़ी लाता हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ कि तेरे पिता पर तुझे खुद ही भरोसा नहीं, जिसके दर से मैं चरण धूड़ी लाता हूँ। अगर अपने सद्गुरु पर तुझे भरोसा आ जाए तो वो तेरी झोली खुशियों से भर देगा, जैसे वो मेरी झोली भर देता है, वो तो सबका पिता है। सास संगत जी, एक गुरसिख में 3 बातें होनी चाहिए। पहली, जो मिल गया उसका शुक्राना, और जो नहीं मिला उसका सब्र करना चाहिए। दूसरी, उसको जो भी मिला है उसका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरी और सबसे खास बात,
वो अपने सतगुरु का दर छोड़ने की सोच में भी न लाए। सत्संगत जी, अपने प्यारे सतगुरु पर विश्वास करके तो देखो, दिल से करके देखो, वो मालिक हमें कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सच्चे प्यार और विश्वास का रिश्ता है। तो बाबा जी की प्यारी सत्संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।